मैगी 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 वो देख के भागती हुई आ रही है। चलो 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 अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। तुम्हें पता चल गया है, ऐसे रख के हाँ उसे रख काबू करके पर नाल करके बच कर रख। मैगी बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे, अपने घर पर होंगे, हेलो आयाल में होंगे। तो आज मेरे लिए थोड़ा सा सैड दिन है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हमारी जो कैट है पर्शियन कैट मैगी जिसका नेम है उसको मैं सेल करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे ज़ू की जो मेरे में घर पे छोटा सा जो मैंने एक ज़ू बनाया हुआ है उसका ये सबसे पहला मेरा ये पेट था, तो वो मैंने सेल कर रहा हूँ मैं। लेकिन उसकी खुशकिस्मती देखें कि आप वो माशाल्लाह से जी सऊदी अरेबिया जा रही है, उधर से एक बंदे ने मुझे कॉल की थी, उसको वो पसंद आया पेट हमारा, तो वो उसकी तरफ हम लोग भेज रहे हैं। अभी मैं जाने लगा हूँ साहिवाल, तो काफ़ी सैड मूड थे मेरी सारी फैमिली के, मेरा भी सैड सा मूड था कि वो हमारे एक तरह से फैमिली मेंबर जिसे कहते हैं ना वो बन जाती है, कोई कोई पेट होता है बहुत प्यार करने वाला होता है, केयरिंग होता है। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं और ले आऊँगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द ले कर आऊँगा उस जैसे पेट और कोई ले कर आऊँगा मैं। तो अभी देखते हैं, सारी तैयारी आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे मैं उसको भेजता हूँ। तो अभी मेरे साथ रहिएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देखिएगा मैं ना आपके सामने ना वो हमारी इस टाइम किचन में बैठी हुई है, मामा के पास है, खाना वगैरह खा रही होगी, तो उसको मैं अभी ना आवाज़ दूंगा, उसके नेम लूंगा मैगी। तो देखना वो कैसे भाग कर अभी ना मेरे पास आएगी, देखिएगा मैगी 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 वो देख के भागती हुई आ रही है मैगी। मतलब इसको अपने नाम की इतनी ज़्यादा पहचान है और इतनी ये केयरिंग है ना हमारी। ये देखिए मेरे पास भाग कर आ गया, ये देखो ओए मैगू टुबलो मैगू मैगू तुम जा रहे हो ए मैगू, तुम पता है कहाँ पे जा रहे हो मैगू? तुम सऊदी अरेबिया जा रहे हो हैं? माशाल्लाह कितनी अच्छी जगह पर यार तुम जा रहे हो मैगू। तो चलिए अभी ना मैं इसका जो वो है केज पड़ा हुआ है उसके अंदर मैं इसके जो है चीज़ें वगैरह जो लवाजमात होते हैं वो मैं करता हूँ, चीज़ें उसके अंदर रखता हूँ, और इसको मैं फिर लेकर चलता हूँ साहिवाल, चलते हैं हम वहाँ पर इसको कार्गो करवाते हैं किसी तरह से। इसने पहले बन्नू जाना है, बन्नू से फिर इसने आगे सऊदी अरेबिया के लिए जाना है। तो हमारे साथ रहिएगा, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये था जी मैगी का होम जो हमने कुछ दिन पहले बनाया था, क्योंकि ये काफ़ी दौड़ भाग करने लग गया था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बंद कर देता था मैं। ये इसका केज है जिसमें इसको अभी हम भेजेंगे, तो इसके अंदर हम अभी इसको डालेंगे, इसके अंदर हम चीज़ें रखेंगे इसके लिए, इसमें ये आराम से बैठ सके। ये देखें जी ये हमने तैयार किया, इसके अंदर मैंने ये रख दिया है, थैला रख दिया है, और ये अभी हम इसके अंदर रखेंगे जी रेत, क्योंकि ये जो होती है कैट्स वगैरह पर्शियन कैट ख़ास तौर पे ये इस पर रेत वगैरह पे जो वाशरूम वगैरह करना पसंद करती हैं। ये हम इसके लिए ये रख दिया है, इस तरफ इसके बैठने की जगह यहाँ पर बन जाएगी और इसके अंदर ये बड़ा हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी चली जाएगी। इसके अंदर मैं इसके पानी डाल दूँगा और दूध डाल दूँगा, और ये चीज़ें इसकी इसका केज अब जो है तकरीबन तैयार है, अभी वो अंदर है मामा के पास है, खाना वगैरह खा रही है, वो देखे सामने बैठी हुई है। हम इनको भी निकाल देते हैं, हमारे पर नहीं पिजन्स को नहीं निकालना, कल भी बिल्ली ने हमला किया था और हमारे दो पिजन जो है वो उसने मार दिए थे बच्चे इनके, अब हमने इनको नहीं निकालना बिल्कुल भी, ये अंदर ही रहेंगे, आज इनको खाना मैं अंदर ही देता हूँ।
ये बाकी हमारा पैरट्स हैं जी, ये हमारे पैरट इधर है। इनका भी अभी कागज़ वगैरह मैंने आगे से नहीं हटाया है, ये वैसे ही है। इनको भी लगता है भूख वगैरह लगी हुई है, काफ़ी उन्होंने शोर डाला हुआ है। तो इनके छोटे चिक्स भी बाहर आए हुए हैं, ये देखें इन्होंने शोर डाला हुआ है। इनका खुराक पड़ी तो हुई है लेकिन शोर उन्होंने डाला हुआ है। इधर हमारे कॉकटेल हैं, इधर ड्रिंक नेक्स हैं, ये देखें इनको मैंने अभी सीट डाल दिया है, तो ये खाने के लिए आ गए हैं। और इधर सारे जो इनके चिक्स हैं वो ये सारे जमा हुए पड़े हैं, निकल कर ये सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। चिक्स हैं इनके, ये कल ही मैंने खुद ही निकाले थे मटकियों में से, ये अभी आ गए हैं यहाँ पे। ताकि वो हमारे लव बर्ड कल मैंने डाला था, इनका भूसा वगैरह जो ये अंदर तिनके वगैरह जमा करते हैं घोंसला बनाने के लिए, तो ये उसमें लगे हुए हैं। पहले वाला बच्चा भी इनका जब बाहर आया हुआ है तो ये उसमें अपने घोंसला बनाने में लगे हुए हैं। और ये देखें ये बाकी इधर है। मैगी 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 मैगी, चलो आ जाओ मैगो, चलो अंदर जाओ, शाबाश, चलो 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 अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो। तुम्हें पता चल गया है, ये जी अभी हमारी मैगी हो गई है जी बंद, ये अभी जाने लगी है जी मैगी। बड़ी सैड सी आवाज़ है, अम्मी भी बड़ी सैड हो गई हैं। कोई बात नहीं, हम और ले आएंगे, ये हमें पेट हमारा प्यारा ही बहुत लगता था। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे अगर इतना प्यारा लगता था तो इसको फिर सेल क्यों कर रहे हैं, है ना, यही आप लोग सोच रहे होंगे ना। कोई बात नहीं जी, रेत आप ही रखी है। चलो जी मैगी हो गई है जी रेडी जाने के लिए। ये बैठी है जी हमारी मैगी, इसको अब हम रखते हैं गाड़ी में। तो दरवाजा खोल गड्डी का, दरवाजा खोल गड्डी का, हाँ गड़ा खोल कर इतने बवा के बहने बैठ जाती है। तो पूरी आई सी नहीं, नहीं आनी, ऊपर डिग्गी जा के पहला हेड टू हेड चाव तन कर और रख के बला हमेशा रखी या नहीं सीधी रख के बला पिंजरा रखा जाता क्या नहीं अगली सीट से लाया, अगली सीट से लाया चल और लो तार अगली सीट से लाया चल और लाया इतने रख के ला हाँ उसे रख काबू करके पर रख नाल करके बच कर रख एक मिनट चालू हो रहे हो वैसे रेत नहीं डिग पई ये मोड़ सही कार ली सामने आपका चलो ठीक है और जाने कितने ये बड़ी दूर जा रही है तू ही छाड़ के आना तू ही छाड़ के आनी नहीं मैं किसी छाड़ी
बजे तो हमारी मैगी हो गई है रेडी जाने के लिए। सैड मूड भी है लेकिन खुशी भी है कि बहुत अच्छी जगह पे माशाल्लाह जा रही है मैगी, तो दुआ करेंगे इसके लिए, इसके जो मालिक हैं जिन्होंने हमसे बाय की है उनके लिए हम दुआ करेंगे कि उनके पास ये हैप्पी हैप्पी खुश खुश रहे जैसे हमारे पास ये रह रही थी। तो ये देखें, ये पीछे मैडम जी जो हैं वो तशरीफ़ फरमा है मैगी जो है हमारी। तो अभी हम लोग ये निकल रहे हैं हमारे फार्म से बाहर और अब हम चलेंगे इंशाल्लाह कोई कार्गो वगैरह ढूंढते हैं जहाँ से हम इसको कार्गो करवाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा जी। मैं भी घर से तो निकल आया हूँ, मैंने बिल्कुल भी जो है ना बाबा को ना चाचू को ना सिस्टर को ना हसन लोगों किसी को भी नहीं मैंने बताया कि मैं निकल पड़ा हूँ, क्योंकि अगर वो लोग मैगी को देखते और अगर वो साथ उस टाइम उन सबका मतलब सैड हो जाना था उन्होंने, तो कोई पता नहीं फिर मेरा प्रोग्राम कैंसिल भी हो जाता। तो मैं इसलिए चुप करके बाहर से ही निकल आया हूँ, गाड़ी में रखी है मैंने मैगी और मैं ये शहर की तरफ जा रहा हूँ। रात को तो ऐसे हुआ था कि ना चाचू को पता चला ना कि मैगी हम लोग सेल कर रहे हैं, हालांकि चाचू जो है वो ना बिल्कुल भी मैगी को या एनिमल्स को पास अपने नहीं आने देते हैं, लेकिन मैगी से उनको इतना प्यार था, कहते थे कि बस मैं देखता रहता हूँ मुझे अच्छी लगता है ना इसके जो ऊपर फर वगैरह है तो अच्छा लगता है। तो उनका पीपी हाई हो गया था उसकी वजह से, मैगी की वजह से कि तुम इसको बेच रहे हो सेल कर रहे हो जा रही है यहाँ से, तो इस वजह से। अभी जी मैं साहिवाल में ही घूम रहा हूँ, पिछले तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए मुझे। मैंने फैसल मोवर डाइवो अली एक्सप्रेस न्याजी और इसके अलावा जो डिफरेंट हमारे कार्गो सेंटर्स जो होते हैं उन पे मैं गया हूँ, लेकिन मतलब कि कोई जानवर वगैरह जो होता है उसकी हमें भरने के लिए भी लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, और एक और फिर जानी वो उधर बन्नू की तरफ है तो वो उधर कोई लेता भी करता है, हम वहाँ पर नहीं हम जाते। तो अभी एक मुझे उकाड़ा की तरफ पता चला है, यहाँ से एक बंदे का नंबर मैंने लिया है, वो जाती है डायरेक्ट गाड़ी बन्नू जाती है, तो अभी वो सोया हुआ है ड्राइवर, तो उसका पता करता हूँ मैं, अगर वो कॉल अटेंड करता है और वो हमें भरता तो फिर मुझे उकाड़ा जाना पड़ेगा हमारी मैगी को छोड़ने के लिए। ये तो बिलाखिर मुझे जाना पड़ रहा है जब उकाड़ा कैंट में जा रहा हूँ, अल्लाह तवक्कल जा रहा हूँ। कुछ आइडिया नहीं है कि वो बंदा लेगा नहीं लेगा, पेट ले जाएगा नहीं ले जाएगा, लेकिन इतना पता चला है कि बन्नू लेके जाते हैं वहाँ से, कार बस से जाती है बन्नू, 4 बजे वो निकलनी है, तो 3 बजने वाले हैं। मैं भी साहिवाल से निकला हूँ, तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है गाड़ी में, तो मैं जा रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। हाँ जी तो फाइनली हमारी जो मैगी है वो जाने लगी है। ये सामने मैगी की जी बस है, इस बस पे इसने जाना है जी बन्नू, ये बन्नू जाएगी वो लिखा हुआ है बस के ऊपर भी, अल्लाह खैर करेगा ये बन्नू पहुँचती है। अभी मैं इसको उतारता हूँ गाड़ी से, उनके सपुर्दारी कर लूँ, पैसे वगैरह उनको मैं पे कर लूँ, फिर मैं निकलता हूँ आगे। मैगी जी हमारी है जाने लगी। हाँ जी ये मैगी अब हमारी जाने के लिए हो गई है तैयार जी, ये देखें बाहर बैठी हुई है, अभी ये जाएगी। मैगो बाय बाय मैगो 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 बाय बाय, इधर देखो मैगी, देखें कितना डरी हुई है ना, हर जानवर को ही पता है कि मैं कहीं दूर जा रहा हूँ यार, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इसको बेच के। मैगो पारे जी, मेरे प्यारे दोस्तों हमारी मैगी के जाने का टाइम हो गया है, ये अभी हम निकलते हैं।
मिलता है यहाँ से देखो। मैं गोवा जो ये जी हमारी मैगो, अरे होगी हमारी जाने के लिए बिल्कुल तैयार। मैगी बाय बाय। हाँ जी जी बाय बाय। ये वाली बस में जा रही है जी हमारी मैगी। अल्लाह इसको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह इसको खैरियत से ले जाए। बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, लगती है हमारी पूरी फैमिली को। चलो कोई बात नहीं, हम और लेके आएंगे प्यारा सा कोई पेट। किसी के पास कोई प्यारा सा पेट पड़ा है मैगी को, मतलब कि पर्शियन कैट फीमेल ऑर्डाइज है, तो मुझे लाजमी मैसेज करें, मैं लेना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। लेकिन मैं किटन छोटा बच्चा खरीदूंगा इस टाइम। तो लास्ट बाय बाय करते हैं जी मैगी को। बाय बाय मैगी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।